हे अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप लोग, आई होप कि आप सब ठीक होगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सो यस, आज मैंने आप लोगों के लिए लेकर आई है पुलाव की रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं मिलकर पुलाव। तो यहाँ पर मैंने सारी प्रिपरेशन करके रखी हुई है। चिकन को धोकर रखा है, सारी चीज़ें, चावल को धोकर रखा है, प्याज टमाटर काट के रखी है। और ये जो खड़े मसाले हैं ये हमें भूनकर पीस लेना है, जिसमें सौंफ, अक्की धनिया और ज़ीरा है। तो इसे हमें जो है भूनकर पीस लेना है। हरी मिर्ची को भी हमें पीस लेना है। ये सारी चीज़ें मैंने पीस कर रख ली है। और यहाँ पर हम आतिफ के साथ में थोड़ी सी मस्ती, ये मेरा सबसे छोटा और सबसे प्यारा कज़िन है, तो ये इसका रोज़ रहता है कि खाना बनाते हुए मुझे लेकर जो है खाना बनाओ, उसे भी कुकिंग सीखना है हमें भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेज़पत्ता सुनहरा होने तक भूना है और उसी के साथ में प्याज डाला है। प्याज को हमें 75% गोल्डन ब्राउन करना है और उसके बाद हमें उसमें डालना है टमाटर। टमाटर को गलने के लिए मैं थोड़ा सा नमक डालती हूँ ताकि वो अच्छी तरीके से गल जाए, और काफ़ी कम टाइम में गल जाता है। मैं अक्सर ऐसा करती हूँ, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने 2 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और अच्छे से उसको भून लेना है। भूनने के बाद आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो। आप लोग जैसे भी अदरक लहसुन, कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, तो मैं हमारे घर के हिसाब से मैंने उसमें अदरक लहसुन डाला है। और उसके बाद मैंने चिकन को धोकर रखा था, तो चिकन डाला है। और उसके बाद में मटर और जो है आलू, वो भी मैंने पहले से कट करके रखा था और वॉश करके रखा था, तो मैंने वो डाला, नमक डाला और अच्छे से उसे भुना, ताकि जो चिकन का पानी है वो अच्छे से सूख जाए, उसमें पुलाव में जो है चिकन का स्मेल ना है। तो इसके लिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अच्छे से भुनना है। और भुनने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची का पेस्ट जो मैंने पीस कर रखा था वो डाला है। उसके साथ में मैंने दही डाला है। दही आप 2 या 3 टेबल स्पून डाल सकते हो, और जैसे भी आप लोग खट्टा खाते हो उस हिसाब से आप डाल सकते हो मसाला बनने के लिए। और यहाँ पर मैंने उसी के साथ में कड़ी पत्ता डाला है। कड़ी पत्ता मैं खुशबू के लिए डालती हूँ, आप चाहे तो डाल सकते हो या अवॉइड कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। इसके बाद मैंने जो है नींबू डाली है। नींबू मैंने पूरा एक अक्खा नींबू जो है वो उसमें निचोड़ कर डाला है, और सारे मसाले को अच्छे से भुनना है जब तक उसमें तेल ना आ जाए। तेल छोड़ने तक हमें सारे मसाले को भुनना है। और उसके बाद जो कड़ी, जो कोथमीर और पुदीना मैंने कट करके रखा था वो डाला, और साथ ही में जो मसाला मैंने स्टार्टिंग में बताया था जिन्हें हमें भूनना है, खड़े मसाले, उसको मैंने भूनकर पीस लिया था। तो वो सारा मसाला उसमें जो है ड्राई मसाला, उसका पाउडर मैंने फाइन पाउडर कर लिया था, तो वो मसाला इसमें डालना है और डालकर अच्छे से मिक्स करना है। और जो मसाले, मतलब जो लग जाता है पॉट के अंदर, मैं उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी डाल रही थी। और फिर उसके बाद मैंने मेरे चावल के हिसाब से मैंने उसमें पानी डाला कि जितना चावल है उसके अकॉर्डिंग मुझे उसमें पानी डालना था। और चावल मैंने 1/2 आवर पहले से भिगा कर रखे थे, तो वो चावल मैंने धोकर भिगा कर रखे थे, तो वो मैंने उठाकर सारा चावल डाल देना है। और चावल को अच्छे से पकने के लिए छोड़ देना है। लगभग 25 to 30 मिनट्स में आपका पुलाव बनकर तैयार हो जाता है। सो यस, आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को पुलाव कैसा लगा। और प्लीज़ शेयर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल, माय यूट्यूब चैनल। सो यस, थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।